नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव का कटाक्ष, चुनाव में हार देखकर मोदी ने बदला रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्मशान और कब्रिस्तान तथा बिजली देने में धर्म के आधार पर भेदभाव संबंधी बयान को लेकर सवाल उठने के बीच सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि मोदी राज्य विधानसभा की लड़ाई हार गए हैं, इसलिए अपना रास्ता बदल रहे हैं। अखिलेश ने बहराई में आयोजित एक चुनावी जनसभा में कहा कि अगर उनकी सरकार रमजान पर, दिवाली और क्रिसमस पर भी 24 घंटे बिजली देती है तो इससे लाभ तो जनता का ही होता है। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि क्या पता कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हों और कोई बड़ा सपना दिखाकर चले जाएं, पता नहीं क्या कहकर चले जाएं। इसलिए हम आपसे पहले ही कहकर जा रहे हैं कि पिछली दिवाली से हमने हर शहर को 22 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है। मोदी जी लड़ाई हार चुके हैं, इसीलिए अपना रास्ता बदल रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि मोदी तो पुलिस वालों से भी कह गए कि थाने में समाजवादी लोग हैं, हमने तो ऐसा कहा नहीं। प्रधानमंत्री जी उनको भी इशारा कर गए कि पुलिस वालों, समाजवादी पार्टी की मदद करो। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने गत 19 फरवरी को हमीरपुर में अपनी रैली में प्रदेश की सपा सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर किसी गांव में कब्रिस्तान है तो श्मशान भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर रमजान पर 24 घंटे बिजली आती है तो दिवाली पर भी आनी चाहिए। उनके इस बयान की खासी आलोचना हुई थी और इसे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश 100 योजना शुरू की है, कहीं भी घटना होने पर पुलिस 10-15 मिनट में मौके पर पहुंच जाएगी। भविष्य में हम इसे और अच्छा करेंगे जिससे आम जनता को लाभ हो। हमने जितने प्रमोशन पुलिस में किए उतने किसी ने नहीं किए, हमने भर्ती भी सबसे ज्यादा की। अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा मित्रों और रोजगार सेवकों की मदद की है। आप हमारी मदद करिए, हम आगे आपकी और मदद करेंगे, हमें अभी और काम करना है। उन्होंने कहा कि जब काम की बात होगी तो आप समाजवादियों को आगे पाएंगे। हमने हमेशा बिना भेदभाव के काम किया है, आगे भी करेंगे। भाजपा और बसपा के बहकावे में नहीं आना। जो रफ्तार पहले 3 चरणों में बनी है उसे आगे भी बनाए रखना। एक बार आप सब लोग मिलकर हमारे सभी प्रत्याशियों को जिता दीजिएगा, आने वाले समय में एक बार फिर आपकी सरकार होगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। लालू यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद शुरू होगी मोदी की उल्टी गिनती। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा 1000 रुपए के नए नोट लाने की योजना नहीं। तिरुपति मंदिर में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने चढ़ाया 5 करोड़ का सोना। सुनियोजित था समाजवादी पार्टी का नाटक, अमर सिंह बोले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार मानसिक रोगियों के लिए तय करे दिशा निर्देश। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।